सरकार द्वारा कोटा नगर निगम क्षेत्र का सीमा विस्तार तो कर दिया गया, लेकिन इन क्षेत्रों में रहने वाली जनता को आज भी शहरी सुविधाएं नहीं मिल पा रही है, फिर चाहे मामला सफाई का हो या मूलभूत सुविधाओं का। हम बात कर रहे हैं कोटा दक्षिण नगर निगम वार्ड 16 बोरखेड़ा क्षेत्र स्थित रॉयल सन सिटी की, जहां से लोगों ने दीप कंवर को वार्ड पार्षद के रूप में चुना था। लोगों को अपनी पसंद का पार्षद चुनने के बाद भी लोगों को उम्मीद थी कि उनकी सारी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध होंगी, लेकिन आज भी हालात में कोई सुधार नहीं है। कॉलोनी के अंदर पूरे गाँव जैसे हालात नजर आते हैं। गलियों में सड़कें टूटी हुई पड़ी है। हालात देखकर लगता नहीं कि नालियों का निर्माण हुआ है। चारों तरफ कंटीली झाड़ियां हैं जिनमें आवारा जानवरों का जमावड़ा रहता है। साथ ही रात के समय लोग घरों से बाहर निकलने में डरते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि पूरी कॉलोनी के हालात देख सकते हैं कि कहीं भी कोई नाली का निर्माण नहीं हुआ है। मकान मालिकों द्वारा ही नालियों का निर्माण करवाया गया है। सप्ताह में एक या दो बार कचरे की गाड़ी आती है। ऐसे में स्थानीय लोगों को आसपास कचरा पॉइंट देखकर कचरा डालने जाना पड़ता है। मेरे को 9 साल करीब हो गए यहाँ पर। मैं 9 साल से यहाँ पर रह रही हूँ, लेकिन यहाँ पर कोई भी सुविधाएं नहीं आ पाई हैं। जैसे पानी की समस्या है, हम बोरिंग का पानी पीते हैं, आरओ होगा तभी हम स्वच्छ जल को पीते, लेकिन आरओ भी खराबी करता है। अभी जैसे आज की पीढ़ी को ये आरओ तो बेकार ही है ना। नल का पानी हो तो ज़्यादा अच्छा है, और साफ़ सफाई का भी कोई बिल्कुल ही वो नहीं है। मतलब नाम क्या आपका? चित्रंजन शाक्यवाल जी। क्या स्थिति पूरे वार्ड की और कितना समय हो गया आपको? हमको भी 9 साल हो गए करीब रहते हुए यहाँ पे। आवारा पशु बहुत घूमते हैं ना, इसका पट्टा सुधा कुछ मिला हुआ है और ना पेयजल की सुविधा है। और जब आप यहाँ आए थे कितनी उम्मीद के साथ आए थे कि किस तरह की सुविधा मिलेगी? उम्मीद तो लेके ही आए थे कि अच्छी सुविधा मिलेंगी, एक दो साल में पट्टे वट्टे मिल जाएंगे और पेयजल भी आ जाएगा, लेकिन कुछ सुविधा नहीं है अभी तक यहाँ पे। नाम बताए आपको? आशा अरोड़ा। कितना खतरा रहता है आवारा जानवरों से? मैं पकड़ लूंगा सर, पूछिए मत। इतना ट्रबल होते हैं हम लोग, कोई कंप्लेंट अगर हम करते भी हैं तो कोई वो नहीं होता है सुनवाई। हम खुद परेशान हो चुके हैं। जॉब करें कि घर की रक्षा करें कि घर वालों को देखें? घर में बुजुर्ग लोग हैं, उनको ही फेस कर रहे हैं। बाहर बच्चों को लेके जाते हैं, वहाँ डॉगी अटैक करते हैं। बताइए ना, कहाँ जाए, किसको कंप्लेन करें? कोई नहीं सुनता है। कभी पार्षद आए? कभी नहीं सर, देखा ही नहीं है। या तो चुनाव होते हैं तब वोट लेने आते हैं, तब तो लगता है हम शहर में हैं, अदर तक गाँव में रह रहे हैं। ऐसे कहने के लिए अप्रूव्ड हो जाते हैं जब वोट लेना होता है, अदरवाइज हम अप्रूव्ड हैं नहीं ना होंगे। नाम क्या आपका? निधि शर्मा जी। आप कब से? 8 साल से हम बहुत परेशान हो रहे हैं। न बच्चों का कोई खेलने की सुविधा, न कुछ, जानवरों से दुखी स्कूल मिला के इस मामले में बहुत परेशान है। कोई केयर नहीं है यहाँ। सफाई वाले आते हैं? कोई नहीं आते हैं। आप खुद देख लीजिए कैसा हो रहा है। कोई भी नहीं आता, खुद ही करते हैं। शुभ नाम आपका? शकुंतला चौथवानी। लोगों का कहना है कि आवारा जानवरों का पूरी कॉलोनी में जमावड़ा रहता है। पिछले दिनों भी आवारा जानवरों की लड़ाई में उनकी गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई थी। ऐसे में घरों के बाहर गाड़ी खड़ी करने के बाद आसपास कंटीले झाड़ लगाने पड़ते हैं ताकि आवारा जानवर गाड़ी को नुकसान नहीं पहुंचाए। लोगों का कहना है कि चुनाव के समय वोट मांगने के दौरान उन्हें याद किया जाता है, उसके बाद आज तक मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पाई है। ना ही कॉलोनी में पानी की पाइपलाइन है और ना ही कोई सफाई कर्मचारी आते हैं। सर कितने समय से रह रहे हैं आप यहाँ पे? मेरे को यहाँ पे 7 साल हो गए। क्या स्थिति है यहाँ पे? यहाँ पे सुअर वगैरह बहुत है, आवारा गाय, सांड। ये सामने जो सांड बैठा है, कई दफे आपस में लड़ जाते हैं, खड़ी गाड़ियों को तोड़ देते हैं। छोटे बच्चे खेलते रहते हैं, उन्हें मारने का डर रहता है। सफाई व्यवस्था की क्या स्थिति है? सफाई तो गाड़ी भी 2-3 दिन में एक दफे आती है, जो कचरे की गाड़ी लगी हुई है निगम की तरफ से, वो 2-3 दिन में एक दफ़े आती है। बाकी आसपास के प्लाटों में गंदगी फैली रहती है, काफ़ी झाड़ भी हो रहे हैं। हाँ, झाड़ वगैरह तो आप देख रहे हो, अगले प्लाट में देखो आप, बहुत बड़े बड़े 20-25 फीट के पेड़ हो रहे हैं झाड़ के। मतलब डेवलपमेंट नहीं कॉलोनी में? हाँ, बिल्कुल नहीं है, डेवलपमेंट कुछ भी नहीं है। नाम बताए आपका? मेरा नाम प्रेम प्रकाश है जी। भैया क्या स्थिति? मेरा नाम नवीन है, मैं यहाँ पिछले 8 साल से रह रहा हूँ सर। यहाँ पे किसी भी प्रशासन का कोई भी ध्यान नहीं है। पार्षद बनने के बाद एक बार भी यहाँ पे शक्ल नहीं दिखाई है। ना कोई यहाँ के पट्टे हैं, ना कोई पीने के लिए पेयजल की सुविधा है। वोट मांग तक तो बड़ी बड़ी बातें की जाते हैं, लेकिन उसके बाद एक बार भी यहाँ पे आके शक्ल नहीं दिखाई है। आवारा पशु इतने हो रहे हैं कि बच्चों को घर से बाहर नहीं निकाला जा रहा है।
मेरी गाड़ी खुद की गाड़ी के ऐसे हाल कर देते सांड ने कि मुझे पता तो काफ़ी भी कुछ भी कोई समस्या का कोई समाधान नहीं हो रहा है। काफ़ी बार कंप्लेन करा चुके हैं इसके बारे में, निगम में भी बोल के आ गया हूँ लेकिन कोई समाधान नहीं है। वार्ड पार्षद कौन है? खटाना जी हैं, वार्ड 16 है, दीप कंवर खटाना है, जो आज तक उन्होंने कभी शक्ल ही नहीं दिखाई है यहाँ पे। नालियाँ बनी हुई है क्या? ना नाली है ना कुछ है, कुछ भी नहीं। पीने के पानी की स्थिति? कोई भी पीने का पानी नहीं है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। बोरिंग में नाम बताया आपका? बोरिंग का गंदा पानी है। मेरा नाम नवीन है जी। क्या स्थिति, कितने समय से आप यहाँ रह रहे हैं? इस मामले को लेकर जब हमने स्थानीय पार्षद दीप कंवर के पति ओम खटाना से बात की तो उनका कहना है कि यहाँ ऐसी कई कॉलोनियां हैं जो एग्रीकल्चर की जमीन पर बनी हुई है। ये रॉयल सन सिटी की समस्या नहीं है, लगभग एक दर्जन से ज्यादा कॉलोनी ऐसी है जहां पर पानी की पाइपलाइन नहीं है। उनके पास बजट काफी कम है, इसको लेकर उनके द्वारा लोकसभा स्पीकर को भी लेटर लिखा गया है। वहीं मजदूर कम होने से प्रॉपर सफाई नहीं हो पाती, फिर भी उनका प्रयास रहता है कि लोगों को उनकी ओर से सभी सुविधाएं प्रदान की जाए।